ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। उसे नीचे तक चीर डालेगा, उसकी माँ को फिर कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। तो फाइनली दोस्तों दशहरा और भोला ने अपने 6 दिन कंप्लीट करके 7वें दिन में एंट्री मार लिया और कमाई के मामले में जबरदस्त एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि कौन सी मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन किसने कितना कमाया, कमाई के मामले में आगे कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से ज्यादा अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात करेंगे नानी के करियर की एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा के बारे में। जी हां, दशहरा पैन इंडिया में अपने पहले दिन से ही सॉलिड बना रही है और पहले दिन ही अनएक्सपेक्टेडली 30 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन सिर्फ इंडिया से किया। वहीं तमिल तेलुगु से लगभग 20 से 22 करोड़ का आसपास होल्ड किया है और पूरी दुनिया से अपने ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का कलेक्शन किया। जबकि साथ में भोला जैसी दिग्गज मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका कॉन्टेंट भी सेम मासी है, फुल ऑफ एक्शन क्राइम थ्रिलर, लेकिन धूल चढ़ा दी भोला को अपने पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बता दूं तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा क्या सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली है। दोस्तों नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बात करें अभी तक इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है, तो यस, दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ का कलेक्शन किया था, तीसरे दिन 18 करोड़ का और चौथे दिन लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन किया और 5वें दिन में भी सॉलिड कमाई लगभग 7 करोड़ के आसपास कर रखी है और टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 92 करोड़ तक कर लिया है। बता दूं तो पूरी दुनिया में तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषा में मूवी को रिलीज किया था और तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड अपने नाम भी किए पहले दिन से ही। दोस्तों टाइट में किसी भी एक्टर की फिल्म 30 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग नहीं लेती है, लेकिन पुष्पा और केजीएफ की ग्लोरी को सीधा टक्कर देते हुए इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली लगभग 38 करोड़ की पूरी दुनिया में। बात करें कल्याणी डे 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यस, लगभग 5 करोड़ के आसपास इंडियन बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया है और पहले 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से लगभग 97 करोड़ तक सेट कर दिया है। वहीं बात करें आज डे 7 में बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, यस, आज ही इंडिया से जहां 3 करोड़ तक का आंकड़ा सेट करते नजर आ रही है और वर्ल्ड वाइड से लगभग 4.5 करोड़ के ऊपर सेट करते नजर आंकड़ा और टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑफ द डे शायद 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मान लेगी इंडियन बॉक्स ऑफिस से। बात करें दूसरी फिल्म यानी भोला के बारे में, तो यस, इसे भी सेम डेट को रिलीज किया गया था दशहरा के साथ और कमाल की पकड़ बनाई सिनेमाघरों में साथ ही बॉक्स ऑफिस में भी। हाँ, अपने ओपनिंग डे में वो कमाई नहीं कर पाई जैसा कि अजय की बाकी फिल्में करती हैं, लेकिन हाँ, अपने दूसरे दिन से हर दिन आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब लोगों को मूवी काफी पसंद आई। जी हाँ, भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बता दूं तो मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है जिसके लिए अजय सर ने मूवी में काफी चेंजेस करे हैं, VFX का सटीक इस्तेमाल किया है, एक्शन में धमाकेदार मसाला डाला है, विजुअल्स में भी काफी एडवांसमेंट लाके काफी बदलाव किए हैं। दूसरा, मूवी को पूरी दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जिसने अपने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग भी अच्छी खासी ली थी। बता दूं तो दोस्तों दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन को मिलाकर भोला ने अपने पहले 3 दिन में 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था और चौथे और 5वें दिन के कलेक्शन को मिलाकर 50 करोड़ तक टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कमाई कर ली है पहले 5 दिन में। इसी के साथ भोला एवरेज ट्रेंड करते नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर, जो कि बैड न्यूज है। बता दूं तो दोस्तों मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने, जिसमें आपको तब्बू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, मूवी बहुत शानदार है, जिसने देख ली है उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखी है जाके जरूर देखो यार, ऐसा कॉन्टेंट बार बार नहीं आता। बात करें कल्याणी डे 6 की, तो लगभग 4.80 करोड़ का कलेक्शन किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस से और टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 6 दिन का लगभग 55 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। बात करें आज यानी डे 7 में बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, आज डे 7 में लगभग 4.10 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है और एंड ऑफ द डे शायद यह आंकड़ा 4.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाए और टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंचा दे। बात करें अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो लगभग 78 करोड़ का बिग कलेक्शन होल्ड कर लिया है अभी तक अपने खाते में और डेंजर जोन में सर्वाइव करते नजर आ रही है। दोस्तों दशहरा और भोला दोनों फिल्मों के सारे फिगर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है इन दोनों में से, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।